Assalamualaikum, this is Bilal Umar from GIL. हमने डिवाइस के काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स देख लिए जिसमें TIR और जॉब का ट्यूटोरियल, CRM ट्यूटोरियल. अच्छा, सो आखिरी ट्यूटोरियल इस वक्त हम करने जा रहे हैं, वो ट्यूटोरियल रिलेटेड है पार्ट्स से. अच्छा, जॉब कार्ड के क्लोज होने के लिए ज़रूरी है कि पार्ट्स आपके इन्वेंट्री में होना चाहिए. अब वो कैसे हम इन करेंगे, इसको कैसे आउट हो रहे होंगे, उसमें एक छोटा सा ट्यूटोरियल है और उसके मैं आपको तरीकेकार बता सकता हूँ. सो आप आईडी पासवर्ड से इन हो जाते हैं, आपके पास यहाँ पे डिफरेंट मॉड्यूल्स आ रहे हैं. इस जगह पर सर्विस के बिल्कुल ऊपर एक इन्वेंट्री का मॉड्यूल है. इन्वेंट्री के मॉड्यूल के अंदर हमारे पास एक सबसे ऊपर ऑप्शन आता है, विच इज एंटर ओपनिंग बैलेंसेस एंड स्टॉक एडजस्टमेंट. ये वो ऑप्शन है जिससे आप पार्ट को इन करेंगे. फॉर एग्जांपल, आपने सर्विस में जॉब कार्ड का जो एक ट्यूटोरियल मैंने बनाया था और वो सबको पता है कि किस तरीके से वर्क कर रहा है, अगर आप उसको देखें तो जॉब कार्ड जब हम बना रहे होते हैं तो जॉब कार्ड में बेसिक इंफॉर्मेशन जब हम देते हैं, इस तरह के मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल रहा हूं, और इंफॉर्मेशन डालने के बाद जब मैं इसे सेव करता हूं तो यहां पे मेरे पास एक आइकन्स खुल जाते हैं जिसमें जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी कि अगर किसी किस्म की कोई लेबर है, या फिर पार्ट्स डिस्क्रिप्शन जिसमें किसी किस्म का कोई पार्ट अगर इन्वॉल्व है तो वो मैं एंटर करता हूँ. अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो मैं डायरेक्ट नाम से एंटर कर दूँ, फॉर एग्जांपल रेडिएटर मुझे अगर चेंज करना है तो मैंने रेडिएटर डाल के एंटर जब किया तो मेरे पास रेडिएटर के चार बेसिकली पार्ट कोड्स आ गए, तो जो हमारा डिजायर्ड पार्ट कोड सेलेक्ट कर लूँ, या मैं डायरेक्ट पार्ट कोड यानी पार्ट नंबर से एंटर कर सकता हूँ. जब मैं यहाँ पे से एंटर करूँगा, एक क्वान्टिटी मैंने ऐड की, और जब ऐड करूंगा तो आप यहाँ देख सकते हैं ये रेड हो गया. रेड मींस कि आपकी इन्वेंट्री में प्रेडेटर से रिलेटेड कोई भी पार्ट इन्वॉल्व, यानी कोई भी पार्ट इन्वेंट्री के अंदर नहीं है. तो इसके लिए ज़रूरी है कि मैं इसकी इन्वेंट्री इन करूं. तो यहाँ से सबसे पहले आपको पता चलेगा कि आपकी इन्वेंट्री में नहीं है. जब भी आप जॉब कार्ड बनाएंगे, जॉब कार्ड बनाने के बाद ज़रूरी नहीं है कि ना हो तो पहले हमें इन्वेंट्री इन करनी है. हम जॉब कार्ड बना के इसको सेव भी कर सकते हैं, बाद में भी इन्वेंट्री इन कर सकते हैं. अब होगी कैसे वो मैं आपको दिखा देता हूँ. इन्वेंट्री के अंदर मैं क्या एंटर ओपनिंग बैलेंसेस स्टॉक एडजस्टमेंट में जाऊंगा मैं, और यहाँ पर आइटम कोड, यानी अगर फॉर एग्जांपल मुझे रेडिएटर इन करना है तो जो डी मैक्स में वी क्रॉस में रेडिएटर लग रहा है उसका पार्ट नंबर है 8981372724, मैंने सेलेक्ट किया. कितनी क्वान्टिटी मेरे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मौजूद है, लेट से मेरे पास 5 मौजूद है, उसकी जो भी यूनिट प्राइस है वो मैं ऐड करूंगा. ये जहन में ये बिल्कुल नजर में रखना है कि ऊपर जो टाइप है ये पॉजिटिव होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको नेगेटिव कर दूं तो आपकी इन्वेंट्री से निकल जाएगा, और अगर ये पॉजिटिव है मीन्स आपकी इन्वेंट्री में ये इन हो रहा है. इसका पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है. मैं यहाँ पे एड आइटम करता हूँ तो ये 5 क्वान्टिटी मेरे पास मेरी इन्वेंट्री में इन हो गया है, और इसको जब मैं प्रोसेस करूंगा तो ये इन्वेंट्री में इन हो चुका होगा. अब अगर जो जॉब कार्ड है और मैंने आगे का जो जॉब कार्ड का ट्यूटोरियल बताया था उसमें जो भी प्रोसीजर, जब आप उसको कंप्लीट करेंगे तो आपका जॉब कार्ड क्लोज भी हो जाएगा एंड देन फिर आपका गेट पास जनरेट भी हो जाएगा. इस तरह जितने भी आपके आइटम्स हैं, जब भी जो जो जॉब कार्ड में रिक्वायर्ड हो वो आप एंटर ओपनिंग बैलेंसेस में अपना कोड नंबर डाल के एड आइटम करके प्रोसेस करते रहें. ये इसका एक आसान तरीकेकार है. इसका एक और भी तरीकेकार है जिसमें प्रॉपर परचेज ऑर्डर और GRN बनता है, बट इस स्टेज पे ये आसान तरीके कार से जॉब कार्ड क्लोज और ओपन करना स्टार्ट करें. अगर किसी को डिटेल प्रोसेस में जाना है तो उसके लिए मैं अलग ट्यूटोरियल बना सकता हूँ. थैंक यू सो मच.